हम नहीं बोले की बात चल आ रहा है हर सोमवार रात 8 बजे। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं कैंट पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आरक्षी पुलिस भर्ती प्रक्रिया 2018 में सालवर गैंग का लीडर राजेश महतो उर्फ रजनीश गिरफ्तार हुआ। क्षेत्राधिकारी कैंट मोहम्मद मुस्ताक के निर्देशन में कैंट थाना प्रभारी राकेश सिंह, चौकी प्रभारी निदेशक अशोक कुमार, मोहम्मद साबान, जयप्रकाश सिंह और रामानंद यादव की टीम ने बिहार से उसे गिरफ्तार किया, जो फर्जी तरीके से सोलवरों की परीक्षा में बिठा कर धांधली कराता था और लंबे पैमाने पर मोटी रकम की वसूली किया करता था। सालवर गैंग का लीडर राजेश कुमार महतो उर्फ रजनीश को आज कैंट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजेश कुमार अपने गैंग के साथ यूपी बिहार सहित अन्य राज्यों में अपना जाल फैला रखा है। मुख्य रूप से राजेश कुमार महतो उर्फ रजनीश गिरिया जिला नालंदा बिहार का रहने वाला है। बिहार के नालंदा जनपद लोहरी थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर से उसकी गिरफ्तारी हुई है। आज किस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई और किस समय? देखिए, अभी पुलिस भर्ती वाले में काफ़ी अधिक संख्या में सॉल्वर बैठे हुए थे, उसी संदर्भ में 3 मुकदमे जो है हमारे कैंट थाने क्षेत्र में लिखे गए थे, जिसमें कई लोगों को अरेस्ट करके जेल भेजा जा चुका है। उसी में पता चला था कि बिहार में राजेश कुमार महतो हैं, बिहार शरीफ के, ये वहाँ से सॉल्वरों को सप्लाई करते हैं और ये एजेंट हैं, मेन सॉल्वर एजेंट हैं, तो इनकी अरेस्टिंग की गई है और इनको अरेस्ट करके इनको जेल भेजा जा रहा है। क्या कुछ बरामद? नहीं, इसमें जो ये लोग व्यापक स्तर पे इनका गैंग है पूरा, कई इसमें लोग हैं जो कि जो पहला चरण का एग्ज़ाम होता है उसमें सॉल्वर को बैठाते हैं, दूसरे चरण में TCS के कुछ लोगों के साथ मिल करके बाहर से होटल या कहीं किसी अन्य जगह से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करते हैं, तो इसके आधार पर इनके फ़ोन में वो सारी बातें जो हैं बातें भी मिली हैं हमें, और भी दस्तावेज भी हमें मिले हैं, कुछ कैंडिडेट भी जेल जा चुके हैं, इसमें उसी में ये इनका नाम प्रकाश में आया था, इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। कोई अधिकारी भी इसमें संलिप्त है कैसे? जैसे देखिए, अभी उसकी जांच चल रही है कि किस स्तर पे इनके द्वारा मैनेजमेंट किया गया था, लेकिन काफ़ी बड़ा गिरोह है इनका एक लंबे, और उन सबका भी इसमें नाम जो है, कई लोगों का नाम प्रकाश में आया है, तो उनके लिए भी विधिक कार्रवाई जो है वो चल रही है। नहीं, चुप से देखिए, अभी पूरा फाइनल उनका सिलेक्शन अभी जो है अभी वो भी जांच की जा रही है, क्योंकि इसमें जो पहला फेज होता है उसमें जो रिटन टेस्ट होता है उसमें ये सॉल्वर बैठे हुए थे, उसके बाद फिर आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन था, फिर आपका इनका अलग से फिजिकल था, तो ये कई 3 चरण में एग्जाम होता है, तो पहले चरण में जो लोग बैठे हुए थे उनको ये सप्लायर था, सॉल्वरों को सप्लायर था, जो तेज बच्चे होते हैं उनको एग्ज़ाम में किसी दूसरे की जगह पे बैठा करके पास कराना इसका मेन काम था, और हर कैंडिडेट के बदले में ये 50,000 रुपया जो है वो लेता था, और जो सॉल्वर बैठते थे उनको उसमें से 30,000 के आसपास उनको देता था। तो क्या यूपी बिहार तक ये जाल इसका फैला हुआ है, फिर और भी जनपद हैं? और भी इसकी जाँच की जा रही है, लेकिन जाँच में ये भी पाया गया है कि अन्य जो भर्तियाँ हैं उनमें भी इनके द्वारा इस तरीके का प्रयास जो है वो किया गया है, तो उस मुद्दे उस बिंदु की भी जो है विवेचना में उसको भी शामिल करते हुए कार्रवाई की जा रही है। इसी वर्ष 18 मार्च को ब्रह्माघाट पे बिज्जू यादव नाम के एक व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, उनके ऊपर गोली चलाई गई थी जिससे कि बाल बाल बच गए थे वो। उनके भाई के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया था जिसमें कई अभियुक्त थे, जिसमें से 2 अभियुक्त पूर्व में गिरफ्तार हो चुके थे, बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम बनाई गई थी, जिसमें सभी सदस्य कल कोतवाली क्षेत्र के जागेश्वर महादेव मंदिर के पास मौजूद थे, जिसमें से प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, क्राइम ब्रांच की टीम, तो एक सूचना मिली कि उस घटना में शामिल एक अभियुक्त किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है और उस मंदिर के पास में मौजूद है। इस सूचना पर उस टीम के द्वारा उसको गिरफ्तार कर लिया गया
और आज शाम को 4 बजे के लगभग उसके पास से एक 32 बोर का पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। उसने अपनी संलिप्तता उस घटना में स्वीकार की। आपराधिक पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। वर्ष 2013 में भी कोतवाली क्षेत्र में एक बड़ी सनसनीखेज वारदात हुई थी, उसमें भी ये शामिल था, जिसमें लाल सेठ नाम के व्यवसायी की हत्या की गई थी, उसमें भी ये शामिल था अपने साथियों के साथ में, और इस तरह और कई जघन अपराधों में ये शामिल रहा। सर, इस हत्या में कितने लोग शामिल थे और कितने भी बाकी हैं? इस हत्या में हत्या कारित करने और उसकी योजना बनाने में कुल 7 लोग अभियुक्त थे, जिसमें से 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी शेष है, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। नहीं देखिए, तोड़ फोड़ नहीं कि इस सब हरकत हमारे लोग कर भी नहीं सकते। हमने एक अल्टीमेटम जारी किया हुआ था जब गलवान घाटी का कांड हुआ, हमारे देश के वीर जवानों को धोखे से बुला करके और जिस एरिया में हथियार ले जाना मना है उस एरिया में जा करके और रात डंडे से और लोहे के तारों से लपेटे हुए डंडों से हमला किया, 20 जवान हमारे शहीद हुए। हमारे 20 लोगों के ऊपर उन 300 लोगों ने हमला किया था, फिर भी हमारे बहादुर जवानों ने उनके गर्दन तोड़ दिए, उनके 53 जवानों को जो है निहत्थे ही मार डाला। तो इससे हमारे जवानों की बहादुरी पर न किसी को कोई संशय है, किंतु उनके शहादत का गर्व करना चाहिए सभी लोगों को। और कुछ लोग चाइनीज प्रोडक्ट अभी भी नहीं हटा रहे हैं, बेच रहे हैं, तो जो विश्व हिंदू सेना के कार्यकर्ता हैं या जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो आक्रोशित हैं। शायद हमको पता चला है किन्हीं कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे ड्रैगन पे कालिख पोता है, तो गलत क्या किया है? ड्रैगन के पूंछ पे कालिख पोता है, ड्रैगन के तो मुँह पर भी कालिख पोतना चाहिए।
बता दीजिए। और मैं मिसेज वाराणसी 2020 की पार्टिसिपेंट जी। अभी हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, वाराणसी की महिलाएं और वाराणसी की सारी मॉडल्स ने मिल करके चाइना के प्रोडक्ट का और चाइना का इसका बहिष्कार करते हुए, चाइना के मोबाइल इनका बहिष्कार करते हुए कुछ चीज़ों को जलाया है। और हमारा यही मतलब छोटा सा तरीका है कि हर घर की महिलाएं इस इन सब चीज़ों का धीरे धीरे करके इसका बहिष्कार किया जाए, चाइना के सारे प्रोडक्ट को और चाइना के ऐप्स को हम अपनी लाइफस्टाइल डेली लाइफस्टाइल से निकाल सके, यही हमारी एक कोशिश है। मैं दीपमाला केशरी मिसेस बनारस 2018 की विनर रह चुकी हूँ और हम सारी बनारस की महिलाएं यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिसमें से कुछ मॉडल्स हैं, कुछ हाउसवाइफ्स हैं, कुछ वर्किंग वुमेन्स हैं। ये जो चाइना ने हमारे देश के साथ किया है, जो गलवान घाटी में हमारे शहीदों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है, उसके विरोध में हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और चाइनीज चीज़ों का हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं, चाहे वो हमारे किचन की चीज़ें हों, चाहे वो हमारे एसेसरीज़ हों, चाहे वो हमारी डेली वेयर की चीज़ें हों, मोबाइल हों, चाइनीज़ ऐप्स हों, हर तरह से हम चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार करते हैं। जी नाराज़गी तो बहुत है, लेकिन हमारे 20 जवान जो शहीद हुए हैं, उन्होंने जाते जाते उनके 45 सैनिकों को मारा है, ये अपने बात में बहुत बड़ी बात है। जो संधि हुई थी उसके तहत इन लोगों का था कि ये लोग आर्म्स लेके नहीं जाएंगे, उस जो पेंगोंग लेक के जो 14 पॉइंट पे इन लोग की वो होती थी, जो ये लोग राफ्टिंग वगैरह करते थे वहाँ पे, तो उसकी वजह से उन लोगों ने अटैक करा इन लोगों पे कि क्योंकि ये लोग बिना हथियार के थे, और बिना हथियार के भी हमारे सैनिकों ने इतने लोगों को मारा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज अमेरिका जैसा देश हमारे देश के जवानों को ट्रिब्यूट कर रहा है, सराह रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम नहीं बोलेंगी बात चल रहा है हर सोमवार रात 8 बजे। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ द लाइव पर हम नहीं बोलेंगी बात। आज चौकाघाट प्राइवेट कैंपस में दोपहर 1 बजे रविकांत विश्वकर्मा पूर्व पार्षद और दीपचंद गुप्ता महानगर अध्यक्ष की अगुवाई में जमीन पर एक बड़ा गड्ढा करके उसमें अपने मोटरसाइकिल को दफन किया। उक्त नेता का कहना था कि कोरोना वायरस के साथ महंगाई से निपटने के लिए जनता तैयार नहीं है, पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों के कारण महंगाई अब आसमान छू रही है, इससे बाजार के जरूरी सामानों में 20% महंगाई हो गई है। 6 जून से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, मात्र आधे महीने में ही पेट्रोल 6.5 रुपए तो वहीं डीजल लगभग 8 रुपए की वृद्धि हो गई है। इससे माल परिवहन और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सेवाएं महंगी होंगी, लिहाजा जरूरी सामान जैसे दूध, ब्रेड, फल, सब्जी, अनाज, किराना, फर्नीचर, कपड़े, बिल्डिंग मटेरियल के दाम भी बढ़ सकते हैं। इसलिए उक्त विरोध के माध्यम से सरकार से बड़ी हुई पेट्रोल व डीजल के दामों में कमी करने की मांग करते हैं, ताकि आम जनता को इस कोरोना काल में राहत मिल सके। अपना परिचय दे दीजिए। समाजवादी पार्टी के महानाध्यक्ष लोहियानी दीपचंद गुप्ता वाराणसी जनपद। गुप्ता जी, क्या विरोध है आपका और किस तरह किया है? आज समाजवादी पार्टी लोग ने रविकांत विश्वकर्मा के नेतृत्व में, संदीप मिश्रा के नेतृत्व में, होलीलाल गुप्ता के नेतृत्व में, तमाम जितने समाजवादी पार्टी के लोग हैं, आज जो पेट्रोल डीजल जो महंगाई चरम सीमा पर चल रही है, उसके विरोध में आज हम समाजवादी लोग आज ये तय किया, पूरे बनारस नहीं, पूरे देश और प्रदेश के लोग ये हमने तय किया कि जब तक ये डीजल पेट्रोल महंगा नहीं होगा, तो आज हम लोग अपने उस क्रम से लेते हुए हम लोग जो कि आज समाजवादी पार्टी लोग अपनी बाइक को कब्रिस्तान में कबर खन कर उसको हम लोग मतलब उसको दफनाने काम किया और विरोध किया। मैं रविकांत विश्वकर्मा, हमारे साथ दीपचंद गुप्ता, संदीप मिश्रा, तमाम साथी, हम लोगों ने आज बढ़ी हुई पेट्रोल और डीजल की मूल्यों के खिलाफ आज हम लोगों ने अपने गाड़ी को गड्ढे में डाल के सुपुर्दे खाक किया। गड्ढे में हम लोगों ने अपनी गाड़ी को इसलिए दफन किया क्योंकि लगातार 15 दिनों के अंदर ये पेट्रोल में 7 रुपये और डीजल में 9 रुपये इन्होंने बढ़ाने का काम किया है, जिसके वजह से हम तो कोरोना की महामारी से मरी रहे थे हम जनता, ये लगातार पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि करने से तमाम चीज़ें जैसे ट्रांसपोर्ट, साग सब्जी, दूध, सभी चीज़ महंगे हो जाएंगे, जिसके वजह से आम आदमी का जीना दुभर हो जाएगा। इसलिए हम लोग ने ये तय किया कि अब हम गाड़ी चलाने में असमर्थ हैं, तो इसलिए हमने सहसम्मान अपनी गाड़ी को सुपुर्दे खाक कर दिया है, क्योंकि वो गाड़ी हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण लगती है, लेकिन पेट्रोल डीजल लगातार कीमत बढ़ाने से प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आ रहा कि आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए इसके माध्यम से हम अपना विरोध जताएं। ठीक।
बोलने की बात चल आ रहा है हर सोमवार रात 8 बजे। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर, हम नहीं रुकेंगे।